सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। इस नए वर्ष 2021 का स्वागत आप सभी की लाइफ में इस संस्कृत श्लोक के साथ हो, जिसका भावार्थ यही है कि सभी इस विश्व में सुखी हों, समृद्ध हों, निरोगी हों। तो आइए करते हैं लंदन लाइट्स का आगाज आप सभी के साथ। आखिर तक आपको जुड़े रखना मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है, और आई होप आप सभी उसको इंजॉय करेंगे। और लंदन लाइट्स कैसी होती हैं, क्रिसमस के समय माहौल कैसा होता है, आइए आप सभी को लिए चलती हूँ लंदन में कुछ ऐसी स्ट्रीट्स में, जहाँ पर ये जो नज़ारा होता है क्रिसमस ईव के पहले का और न्यू ईयर के समय का देखने वाला होता है। तो आप सभी का स्वागत है आपकी पाखी अनामिका में, और आशा करती हूँ कि आप सभी इस ब्लॉग को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलिए आगे लिए चलती हूँ। सो हम लोग रात को नाइट वॉक में निकले हैं, ये हमारा पहला मौका है क्योंकि परी अब 4 साल की हो गई है, तो हम थोड़ा सा अब बाहर निकलने लगे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लंदन में अभी जब आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा तो नेशनल लॉकडाउन घोषित किया गया है, मतलब Tier 4 लगा हुआ है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग थी ये क्रिसमस ईव के पहले की थी, जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग है 15 दिसंबर 2020 की, और आपके सामने मुखातिब हूँ 2021 में इस चमकते हुए झिलमिलाते हुए लाइट्स को लेकर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:30। हमने ये वीक डे चूज़ किया था ताकि लोग कम हो, भीड़ ना हो, और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का खतरा लीस्ट हो, कम से कम हो। तो इसी पूरी एहतियात के साथ हम बाहर निकले हैं घूमने के लिए, और हमको 2 साल होने वाले हैं लंदन में, और ये हमारा पहला मौका है पूरे परिवार के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए, लंदन लाइट्स देखने के लिए। तो आपके लिए भी हो सकता है ये पहला मौका हो। सो आप देख सकते हैं झिलमिलाती हुई, चमचमाती हुई लाइट्स, कितने सुंदर तरह से पेड़ों ने अपनी पत्तियां त्याग दी हैं, लेकिन फिर भी लाइट्स लगाकर बहुत सुंदर बनाया गया है। क्रिसमस ट्रीज बहुत सुंदर सजाते हैं, तो जो क्रिसमस डेकोरेशन होता है वो आप सभी के सामने मुखातिब हूँ मैं लेके। आशा है आप सभी को पसंद आएगा, और आना भी चाहिए, मेहनत बहुत की है मैंने इसको शूट करने के लिए। हालांकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। इस ब्लॉग में आपको मेरी बेटी कम देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ समय के बाद वो सो गई थी, सो अपनी बगी में वो सो रही थी और हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे। सो ये देखिए रेनडियर्स और फॉक्स यहाँ की वाइल्ड लाइफ का जो बोल सकते हैं प्रमुख हिस्सा है। तो क्रिसमस के समय ये हम पहुँचे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत एंड स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी यहाँ लंदन ब्रिज में, और आपको उसका नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है टावर ब्रिज, जिसको लंदन ब्रिज भी हम बोलते हैं, जो हम पोएम राइम बच्चों को नर्सरी राइम्स होती हैं, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। सो ये है लंदन ब्रिज, और इसी के साथ ही साथ बहुत सारा आपको, मतलब जो क्रिसमस डेकोरेशन होता है ये पीछे आपको मैंने मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, स्काई गार्डन जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें 40 फ्लोर हैं और काफ़ी सुंदर ऊपर गार्डन है वो भी है, और पीछे ये है थेम्स रिवर। सो आपको और भी सुंदर सुंदर ब्लॉग देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि लोग कम होंगे और इसके बाद लगने वाला है लॉकडाउन, तो फिर 10 जनवरी तक फुर्सत। सो चलिए मैं आपको आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। Deep within, here we go, but some
Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. So London explore करने के लिए, city explore करने के लिए bicycle होती हैं जो आप रेंट पे ले सकते हो और घंटे के हिसाब से इनका रेंट देना होता है। तो आइए रूबरू होते हैं लंदन आई से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी बेहद खूबसूरत है और इसमें बैठकर पूरे लंदन को आप देख सकते हैं और एक अलग रोमांचक अनुभव को महसूस कर सकते हैं। और ये रात के 12:30-1 बजे का समय है और ये आप जो रिक्शा देख रहे हैं ये म्यूज़िकल रिक्शा, मैंने इसका नाम रखा है। इसमें म्यूज़िक चलता रहता है और आप आराम से बैठकर कुछ घंटों के लिए घूम सकते हैं। सो ये हमारा पहला अनुभव रहा रात में नाइट वॉक करने का, जो काफ़ी रोमांचक था, काफ़ी अच्छा था। और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं जो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में बंद हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जो बोलते हैं एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं उन सब के लिए हैं। इसमें कुछ म्यूज़ियम्स भी हैं और एक जो कैरेक्टर है एनिमेशन मूवी का श्रेक, ये है काउंटी हॉल। इसमें जितने भी श्रेक के एडवेंचर हैं वो सारी सीरीज़ इसमें हैं और वो जो सारे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारे सब कुछ इसमें। और ये साइड में आप देख रहे हो ये है थेम्स नदी। और हम आगे चलते हैं अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। डेकोरेशन काफ़ी अच्छा होता है, क्रिसमस लाइट्स बहुत बेहतरीन होती हैं और ये रिक्शा तो आप देख ही रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं, इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. आज का ब्लॉग लंदन लाइट्स आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जाने से पहले रुकिए जनाब, ये हॉट चॉकलेट, गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का टेस्ट करते जाइए विद मार्शमेलोस, जो स्पेशलिटी है इस शॉप की। आपको पसंद आएगा, देखने में भी और पीने में भी काफ़ी मज़ेदार था। तो रखिए अपना खूब सारा ख्याल और दीजिए मुझे यानी हेमंत को इजाज़त। दुआओं में रखिए यार, नमस्कार।